पीपी 22 तालागंग चकवाल 215 कुल पोलिंग स्टेशन 12 के नतायज ये कहते हैं कि मलिक फलक शेरवान मुस्लिम इकनून से इनका ताल्लुक है आगे नजर आ रहे हैं 3293 वोटों के साथ जबकि इनके मद्दे मुकाबिल है हकीम निसार अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये कैंडिडेट है 2828 वोट इन्होंने हासिल किए हैं पीछे हैं इन वोटों के साथ वो और आगे मुस्लिम इकनून के कैंडिडेट हमें नजर आ रहे हैं। कुल जो पोलिंग स्टेशन है वो 215 हैं 12 का नतायज इस वक्त स्क्रीन पर है जिसके मुताबिक मलिक फलक शेरवान मुस्लिम इकनून के जो कैंडिडेट है वो हमें आगे नजर आ रहे हैं। पीपी 22 का ये नतीजा अब पीपी 32 गुजरात 6 168 पोलिंग स्टेशन 23 का नतीजा जिसके मुताबिक चौधरी मूसा इलाही मुस्लिम इकाफ के कैंडिडेट 18710 वोटों के साथ आगे हैं और चौधरी परवेज इलाही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट 3486 वोटों के साथ पीछे हैं। तो चौधरी मूसा इलाही को बहुत बड़े मार्जिन से यहां पर लीड हासिल हो रही है अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक। इस वक्त समा की स्क्रीन पर एक जानब कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनके नतायज हैं और दूसरी जानब जो है सूबाई असम्बली के हल्कों के नतायज भी आप देख सकते हैं। पीपी 32 गुजरात में कुल पोलिंग स्टेशन 168 हैं और अभी तक के नतायज के मुताबिक मुस्लिम इकाफ लीड कर रही थी